बारा जिले के अंता में पुलिस को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो युवकों के कब्जे से 9 किलो गांजा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी सोमवार सायं को नेशनल हाईवे 27 पर बुलेट गाड़ी से गांजा ले जा रहे थे। बाइक सवार दिनेश उर्फ शूटर गोलू उर्फ हेमंत धाकड़ को 9 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गाड़ी को देखकर दोनों युवकों ने बाइक को घुमाने की कोशिश की, जिससे शक होने पर दोनों से पूछताछ कर तलाशी ली गई तो इनके पास से 9 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी साहब के निर्देशन से मैं मेरी टीम को लेकर 12 से अंता आ रहा था, तो उनके आदेश है कि अपराधी ग्रोह संगठित अपराधी रोकथाम के और अवैध कार्य धंधे जो होते हैं धरपकड़ के लिए हम जिले में कहीं जाके कार्य करते हैं, तो निर्देशानुसार ये अंता आ रहा था। तो अंता आने से मिले बरखेड़ा तिनाए पर एक मोटरसाइकिल अंता एक तरफ से जा रही थी, तो वो हम पुलिस की गाड़ी देख कर एकदम उसने वापस घुमाई, तो उससे शक हुआ, उसको तुरंत ओवरटेक करके गाड़ी को डिटेन किया। तो उसमें दो व्यक्ति बैठे थे और उनके बीच में एक कट्टा रखा हुआ था, तो शक हुआ तो उसके चेकिंग करना जरूरी था, तो उसके लिए फिर हमने उनसे पूछताछ की, तलाशी प्रावधान की पालना करते हुए उनको चेक किया, तो उस मोटरसाइकिल में जो कट्टा था उनके पास में उसमें अवैध गांजा बरामद हुआ। उनके नाम पते पूछे तो एक ने तो अपना नाम दिनेश शूटर बताया था जो अंतक रहने वाला है, और दूसरा लड़का हेमंत उर्फ गोलू वो यहीं का है, अभी अंतक रहने वाला है। कितने किलो गांजा मिला था ये? इसको तोल किया तो 8 किलो 900 ग्राम गांजा।